कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कुछ समरी लिखी हुई है, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें लेफ्ट साइड में नंबरिंग दी है, ये लाइन नंबर को डिनोट कर रहा है, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पर नॉर्मली जो भी ये लाइन नंबर है, ये जो भी इसमें लिखा हुआ है उसके ऑर्डर को डिनोट कर रहा है कि किसी भी लाइन में हमने कुछ लिखा है तो उसमें क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा। जैसे पहली लाइन में प्रिंटिंग सम नंबर्स, ये एक कमेंट है तो पहले कमेंट एग्जीक्यूट होता नहीं है तो ये इग्नोर हो जाएगा। बाद में प्री प्रोसेसर कमांड वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन में जाएगा, इंटीजर आई डिक्लेयर करेगा, उसके बाद में ये प्रॉम्प्ट करेगा गिव एन इंटीजर टू द यूजर, जो यूजर इस प्रोग्राम को रन कर रहा है उसको प्रॉम्प्ट करेगा, उसके बाद में यूजर जो वैल्यू देगा उसको रीड करेगा, उसको आई में स्टोर करेगा। स्पेसेस और न्यू लाइंस को इग्नोर किया जाता है इसी प्रोग्रामिंग में, तो सेवन्थ लाइन को इग्नोर करेगा, एट्थ लाइन में फिर जो यूजर ने वैल्यू दिया उसको प्रिंट करेगा, और फिर एक लाइन नाइन्थ लाइन में कुछ नहीं लिखा है इग्नोर करेगा, टेंथ लाइन में लिखा है डबल ऑफ द गिवन नंबर उसको फिर से प्रिंट कर देगा, जहाँ पे टू स्टार आई मतलब टू टाइम्स आई, आई की वैल्यू जो भी दी है इनपुट में यूजर ने उसका डबल करके प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम कुछ और इनपुट दे देते हैं, जैसे ना लाइन नंबर 7 में पहले खाली छोड़ा था वहाँ पर लिख दिया गो टू लेवल 1, और नाइन नंबर लाइन में लेबल 1 कोलन लगा दिया, यहाँ कोलन है, यहाँ सेमी कोलन नहीं है, जिसमें भी कोलन आ जाएगा वो एक तरह का लेबल होगा या केस होगा, स्पेशल होगा, समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर नीचे कमेंट लिखा, वेरियस सी स्टेटमेंट्स एनेबल यू टू स्पेसिफाई दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट मे बी अदर देन द नेक्स्ट वन इन द सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जैसे पहले 6 नंबर लाइन में जो लिखा है वो आई की वैल्यू रीड हुई थी, बाद में 7 नंबर लाइन खाली थी, 8 नंबर में जो लिखा था वो हो गया, लेकिन अभी 7 नंबर लाइन में हमने लिख दिया गो टू लेवल 1, तो अभी ये लेवल 1 जहाँ लिखा है वहाँ चला जाएगा, मतलब 8 नंबर लाइन यहाँ कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगी, इसको छोड़ दिया जाएगा और सीधा 9 नंबर लाइन में क्या लिखा है वहाँ चला जाएगा। और तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो कंट्रोल देता है इसको एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट ले जाने का, और इस तरह से हम एक स्टेप को एक कुछ स्टेप्स को छोड़ सकते हैं, कुछ स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं, कई तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट को सी प्रोग्रामिंग में कम्प्लीटली डिस्करेज किया जाता है, इसको काम में जितना कम हो उतना कम काम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी एक तो रीडेबिलिटी बहुत वर्स्ट है, बहुत ही ख़राब है, और कई बार ये इन्फिनिटी लूप में फंसा देता है, जिसे डीबग करना, जिसको सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बड़े प्रोग्राम में। इसलिए गो टू स्टेटमेंट को जितना कम हो सके उतना काम में लें, कोशिश रहेगी कि गो टू स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में काम में ही ना लो। तो इसलिए हम और तरीके देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। उससे पहले एक गो टू स्टेटमेंट में जिसमें इन्फिनिटी लूप जैसा कुछ बने वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें एक फिर से एक कंडीशन के साथ गो टू स्टेटमेंट लिखा है, मतलब ये टेबल ऑफ 5 प्रिंट करेगा। टेबल ऑफ 5 कैसे प्रिंट करेगा, यहाँ लेबल वन लगाया, लेबल को इग्नोर करता है जब तक कि उस पर कोई गो टू स्टेटमेंट है किसी तरह से उस पर नहीं पहुँचाया जाता, और फिर ये प्रिंट करेगा आई स्टार 5, आई की वैल्यू हमने 1 दे दी थी तो ये 5 प्रिंट कर देगा, न्यू लाइन में चला जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करके 2 कर लेगा, फिर चेक करेगा आई की वैल्यू यदि 11 से कम है तो वापस लेबल 1 के पास चला जाएगा, इस बार 2 है 10 प्रिंट कर देगा, और इस तरह से ये जब तक कि आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती है प्रिंट करता जाएगा, आई की वैल्यू 11 होते ही आई एम आउट बिकॉज आई इक्वल टू 11 प्रिंट कर देगा। और इस तरह से हम ये आउटपुट देख सकते हैं, ये जैसा पहले बोला वैसा ही आउटपुट है, आउटपुट को एक साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आई लेस देन 11 जो लिखा है, यदि यहाँ पर इसमें कोई गड़बड़ हो जाती तो इसको, ये तो छोटा प्रोग्राम है गड़बड़ दिख जाती, लेकिन यहाँ पर कई बार छोटी सी भूल इस लूप को इन्फिनिटी लूप बना देती है, और ये छोटा प्रोग्राम है, यदि बड़ा प्रोग्राम हो तो ऐसी गलती को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन भी नहीं मिलता।
अब हम इस गो टू स्टेटमेंट को कैसे उठाएं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में, तो उसको देखते हैं हम कि उसमें कैसे क्लियर होगा, डीबग करना आसान कैसे होगा, मॉडिफाई करना उसको कैसे आसान होगा, और वो बग फ्री कैसे होगा, उसमें बग कैसे नहीं कम होगी, ये हम देखेंगे। तो यदि पहली चीज़ है कि ऐसी हम इस तरह की स्ट्रक्चर्स हम नहीं देते हैं, तो सी स्टेटमेंट्स एक क्रम में, एक अनुक्रम में ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होते हैं।